आज हमारे सॉलिड मैकेनिक्स की लैब है, इसमें हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है। हमें करना है कि आज कोई थ्री मेंबर स्ट्रक्चर फ्रेम है जिससे रोड लगाने का एक कितना डिफ्लेक्शन आता है ये काम करना है। जो ऑब्जेक्ट है हमारे टू फाइंड डार्क फोर्स इन थ्री मेंबर स्ट्रक्चर फ्रेम विद पिन जॉइंट बार। पिन जॉइंट बार, पिन जॉइंट सारे लोगों को पहले से पता है कि पिन जॉइंट क्या होता है, हमने कई बार बताया है सारे एक्सपेरिमेंट में। कोई अगर सपोर्ट पे पिन अगर जॉइंट लगा हुआ है वो पिन जॉइंट हो जाएगा तो ऊपर नीचे मूव हो सके। ठीक, तो ये थ्री मेंबर स्ट्रक्चर फ्रेम होगा जिससे हम क्या करेंगे बार फोर्स फाइंड करना है, कितना लोड लगाने से क्या डिफ्लेक्शन आता है ये काउंट करेंगे। तो इसमें हमें इंस्ट्रूमेंट तो कुछ पैसे चाहिए ही, वही चाहिए जो अभी तक हम यूज करते आए हैं, जैसे कि हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट होता है गेज। गेज हो गया दूसरा लोड, और गेज और लोड इन्हीं दोनों की सहायता से हम पूरा इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म करेंगे। अब चलते हैं अपने अपने इंस्ट्रूमेंट की बात और कैसे परफॉर्म करते हैं ये देखते हैं। स्टार्ट। ये हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट है हमारा थ्री मेंबर स्ट्रक्चर फ्रेम है, इसमें थ्री मेंबर ये हैं एक दो तीन, ये क्या है सपोर्ट से जॉइंट हुए हैं थ्री मेंबर जिन पे हम क्या करते हैं लोड लगा सकते हैं। लोड लगाने के बाद हम अपना क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं अपना गेज सेट करते हैं, जो हमेशा हम करते हैं। गेज सेट करने के लिए आप सबको पता है इसमें जो लोड लगाने का हमारा डिफ्लेक्शन आएगा वो सिर्फ वर्टिकल आएगा, एक टाइप का डिफ्लेक्शन इसमें आने वाला है। हम क्या करेंगे सारे जितने भी हमारे जॉइंट हैं इन जॉइंटों पे हम क्या करते हैं अपना डिफ्लेक्शन सेट करते हैं कुछ डिस्टेंस पे। इसको मान लो एल वन, ये एल टू और ये एल थ्री, तीन अलग अलग डिस्टेंस हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे एक लोड लगाएंगे, यहाँ पे लोड लगाएंगे और यहाँ पे लोड लगाएंगे, तीनों पॉइंट पे अलग अलग लोड लगाएंगे। जब भी आप ये देखिए, दूसरी बात ये है कि मिड में हमारा लोड ज़्यादा लगेगा तब हमारा डिफ्लेक्शन आएगा, और जैसे जैसे हम सपोर्ट की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होगा हमारा मिनिमम लोड पे ही डिफ्लेक्शन आना चालू हो जाता है। ठीक, सबसे पहले हम गेज सेट कर लेते हैं हर एक इंस्ट्रूमेंट पे, फिर उसके बाद हम फ्रैक्चर परफॉर्म करते हैं। देखते हैं जो हमारे गेज हैं हमने तीनों पे सेट कर दिया है। हम जब भी लोड लगाते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं एक्टिव लोड लगाते हैं सारे उस पर, और उसकी इनिशियल रीडिंग नोट कर लेते हैं या जीरो कर लेते हैं। आज हम इनिशियल रीडिंग लेके कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम 200 ग्राम का एक्टिव लोड लगाते हैं। एक्टिव लोड लगाने के बाद देखते हैं जो हमारा गेज है कुछ मूवमेंट कर रहा है, तो मतलब एक्टिव लोड अप्लाई हो चुका है इसके ऊपर। देखते हैं जैसे हम लोड लगाते हैं तुरंत तो हमारा क्या होगा गेज कुछ मूवमेंट कर रहा होगा। ये तो पहले से हमारा एक्टिव मोड में है और ये कुछ मूवमेंट हुआ है, ऐसे हम क्या करेंगे तीसरे पॉइंट पे भी लगाएंगे और कुछ मूवमेंट हमें दिखेगा। अब हम क्या करेंगे सारे पॉइंटों पे एक इनिशियल रीडिंग ले लेंगे, अभी तक जो लोड लगाया है इसको हम जीरो तक मान देते हैं। इनिशियल रीडिंग इसको हमने क्या माना है एल वन एल टू और एल थ्री। एक सबसे पहले टेबल बनाते हैं सीरियल नंबर जिसमें लिखेंगे, और दूसरा मोड ऑफ डिफ्लेक्शन, नोड डिफ्लेक्शन। ठीक, इनिशियल रीडिंग क्या आ रही है हमारी, हमने बताया था गेज के पहले पढ़ने से पहले रीडिंग एक बार देख लेते हैं कैसे हम पढ़ते हैं। गेज जो है इसमें दो हमारी क्या हैं डायल गेज बने हुए हैं, एक छोटा सा एक बड़ा सा। जो छोटा सा है वो mm में रीडिंग बताता है, ये आप पहले से जानते हैं, और बड़ा जो है वो 0.01 mm रीडिंग बताएगा, 1 डिवीजन हमारा। हम नोट करते हैं ये 1 डिवीजन से स्टार्ट आ रहा है, मतलब 1 mm के ऊपर जो रीडिंग आ रही है वो 12 वाले डायल गेज पे पड़ेंगे, जो आ रहा है 24। तो जो इनिशियल रीडिंग आई है 1 24 नोट कर लेंगे। नेक्स्ट डायल गेज पे हम चलते हैं L2 पे, हमारी इनिशियल रीडिंग क्या आई है, ये 1 से माइनस में है,
मतलब जो हमारी रीडिंग आ रही है ये सिर्फ जितने डिवीजन होंगे उतने आएंगे, तो ये 40 से 1 डिवीजन कम है तो हम इसको 39 डिवीजन नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, L3 पे चलते हैं। L3 पे जो है हमारी जीरो से ही कुछ मूवमेंट की है रीडिंग, तो ये आई है हमारी 8 डिवीजन। हम क्या किए, पहली रीडिंग 8 डिवीजन, हमारी रीडिंग जो है 8 और 9 के एकदम बीच में है, हम 9 नोट कर लेते हैं। 9 mm, ये अब हमारी इनिशियल रीडिंग हो गई है। अब जब हम ये 3 मेंबर स्ट्रक्चर से हैं, अलग अलग मेंबर पे हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के लोड लगाते हैं। जैसे है कि हम लगाएंगे 1 kg, 2 kg मिड में हमारा क्या है, ये सारे केज बैग हैं। हमने दिखाया है कि इसके ऊपर मिड पे जो है सपोर्ट लोड ज़्यादा आता है, और जैसे जैसे सपोर्ट से हो जाते हैं हमारा लोड क्या होगा, कम आएगा और डिटेक्शन ज़्यादा आएगा। हम क्या करेंगे, सपोर्ट के हो जाएंगे 1 kg लगाएंगे और मिड पे हम 2 kg लोड लगाते हैं और कितना डिटेक्शन आता है ये नोट करते हैं। सबसे पहले हम 1 kg लोड लगाए, कुछ रीडिंग आ रही होगी, और दूसरे सपोर्ट के इन पे हम 1 kg का लोड लगाए। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मिड में लगाते हैं 1 kg का लोड। अब ये 500 ग्राम लगा है, हम 1.5 kg का ही लोड लगाएंगे। लोड जब भी हम नोट करेंगे इसको हम बोलते हैं एडिशनल लोड, तो लोड हम न्यूटन में लेंगे। L1 पे हमारा जो लोड लगा है 1 kg बराबर कितना होता है, 10 N, और L2 पे हमारा जो लोड लगा है ये 1.5 kg मतलब 15 N का लोड लगा है, और ये क्या है 10 N का L3 पे लोड लगा है। ठीक, L1, L2, L3 ये मतलब है लेंथ होती है सपोर्ट से, कितनी लेंथ पे हम लोड लगा रहे हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, फाइनल रीडिंग जो गेज पे हमारी आ रही है ये नोट कर लेंगे। फाइनल रीडिंग आज के हम देखते हैं, यहाँ पे 6+ जा रहा है, 6 डिवीजन के बाद जा रहा है, मतलब 600, और ये प्लस में जितनी आ रही है रीडिंग 59, तो ये आ जाएगी 659। फाइनल रीडिंग हम क्या नोट करेंगे, 659। नेक्स्ट हम जाएंगे L2 पे, जो रीडिंग आ रही है नोट करेंगे, ये आ रही है हमारी 1+ में है, 1 के थोड़ा बाद है ये हमारी, कभी कभी क्या होती है 0 हमारा सेट होता है, जैसे 1 के बाद थोड़ा ही है वहाँ, ये 0 जो है हमने सेट पहले किया होगा, तो 0 उस हिसाब से नहीं सेट है। हम डिवीजन पहले जैसा था, इनिशियल रीडिंग हम पहले से नोट कर चुके थे, अब रीडिंग हम नोट करेंगे। 1+ में कितना है, ये 70 है, तो रीडिंग जो नोट करेंगे 170 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी L3 पे, L3 पे 5+ रीडिंग जा रही है, तो 500 हो जाएगी, और यहाँ पे कितना है 18 डिवीजन, तो 518। हमने बताया था जब भी हम डिफ्लेक्शन नोट करते हैं, ये जो रीडिंग हमारी आई है 0.01 mm के मल्टीपल में आई है, तो हम इन सारे रीडिंग को 0.01 से मल्टीपल कर देंगे, 0.01 से मल्टीपल कर देंगे सारी रीडिंग। इसके बाद जब हमें डिफ्लेक्शन निकालना हो, तो हमें, आप लोगों को सबको पता है, जब भी डिफ्लेक्शन निकालते हैं इनिशियल रीडिंग जो होती है हम फाइनल रीडिंग में से माइनस करते हैं, क्योंकि हमारे जो गेज के इनिशियल रीडिंग कुछ आ रही है, जब माइनस करेंगे तो जो डिफ्लेक्शन ओरिजिनल आया है वो डिफ्लेक्शन हमें पता चल जाएगा। ये सारे लोग कर लेंगे, और हम चलते हैं कैलकुलेटर के, हम क्या करते हैं, अब ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं, जो ऑब्जर्व किया है रीडिंग, जो डिफ्लेक्शन हमारा आया है और जो लोड आया है, हमें क्या करना था, एंड बार फोर्स जो हम फोर्स लगाते हैं उसको फाइंड करना था, और जो डिफ्लेक्शन आता है वो हम नोट कर लेंगे। ठीक, सबसे पहले सीरियल नंबर हमारा 1 है, क्या था, इनिशियल
ये हमारा 3 नंबर स्ट्रक्चर सेम है, इसमें L1 डिस्टेंस पे हमारा इतना डिफ्लेक्शन आया है, L2 पे इतना आया है और L3 पे इतना आया है। हमने पहले बताया था L2 जो है हमारा मिड में है, मिड में हमें मैक्सिमम लोड लगाने के भी डिफ्लेक्शन हमारा कम आता है। हमने बताया था मिड पे जो है लोड लगाते हैं तो हमारा डिफ्लेक्शन वहाँ पे कम आता है। आपने देखा है कि 3 मेंबर जो स्ट्रक्चर सारे लोग देख चुके हैं उसमें पिन जॉइंट लगी है, उसी की वजह से मूवमेंट होता है। अगर फिक्स होता तो मूवमेंट नहीं होता और पिन जॉइंट पे हम लोड लगाते हैं। जब भी ये स्ट्रक्चर मेंबर देखा भी होगा कि कहीं पे ट्रस वगैरह में यूज किए जाते हैं, ऐसे मेंबर हैं जिन पे हम लोड लगाते हैं, फिर क्या डिफ्लेक्शन आता है। इसके अलावा आप थ्योरेटिकल अगर करना चाहते हैं, थ्योरी के थ्रू अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको लोड पता है क्या डिफ्लेक्शन आया है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक, बाकी आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए वो आपके मेंबर को पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकली काम जो है थ्योरेटिकल आप जो है क्लास में भी किए होंगे, जो ऑब्जर्व करते हैं प्रैक्टिकली वो आज हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली। ठीक, यहीं पे हम लैब कंप्लीट करते हैं। थोड़ा हाई लेवल का हमें बीटेक करना।